Hello students, assalamu alaikum. I am here Mangharam to teach you mathematics. Today we are going to learn chapter number 1, set. Set में हम एक हमारे पास question है डी मार्गदला का, वो पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही important है। देखें question हमारे पास ये है कि universal set हमें मिला हुआ x such that x belongs to z. यहाँ पर z का मतलब है integer. हमें इंटीजर का पता है और ये इंटीजर हमें मिला हुआ है। अब ए है वो भी एक सेट गिवन है, बी सेट भी गिवन है, वेरीफाई क्या करना है डी मार्गदला की, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमें पता है डी मार्गदला की, हमें सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, स्टेटमेंट आपको खुद को याद करनी होगी। तो कौन कौन सी दो स्टेटमेंट्स हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। सेकेंड ये है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर क्या है यूनियन, और यहाँ पर यूनियन होगा तो वहाँ पर इंटरसेक्शन, बस ये दोनों डिफरेंस हैं। तो देखें पहली स्टेटमेंट को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो पहले स्टेटमेंट्स में से मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ, अब इसको वेरीफाई करूँगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जेड हमारा है क्या, देख लें यूनिवर्सल सेट हमारा है क्या, ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। अब ये कह रहा है इंटीजर है वो माइनस वन और फाइव के बीच में नंबर, माइनस वन और फाइव के बीच में नंबर कौन कौन से आते हैं, जीरो वन टू थ्री और फोर, मतलब कि ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब ए ए यहाँ पर देखें क्या है, वन से लेकर थ्री तक नंबर है, वन ठीक है, वन टू और थ्री, तो आ गए ये नंबर्स। तो ए हमें याद रखना चाहिए वन से लेकर थ्री तक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल की साइन है, वन और थ्री भी इंक्लूड होंगे, उनके बीच वाले नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब देखें बी, अब बी सेट हमारा क्या है, टू और फोर के बीच में नंबर, जो मगर फोर भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल की साइन है, तो देख लें फोर भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो बी हमारा क्या बन गया थ्री और फोर, टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल की साइन नहीं, तो बन गए हमारे तीन सेट। अब वेरीफाई करना टैकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी पूरा का पूरा हमें क्या करना है डिलीट करना है, डिफरेंस करना है, क्या करना है डिफरेंस। तो देखें ओके यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, देखना यूनिवर्सल सेट हमारा है क्या, वो है हमारा जीरो से लेकर फोर तक, जीरो वन टू थ्री और फोर, ठीक है, यहां पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दें। अब ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू क्या है, वन टू थ्री, तो देखें वन टू थ्री मैंने लिख दिया, ठीक है, यूनियन बी की वैल्यू भी लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या है, ये रही थ्री और फोर, तो मैंने थ्री और फोर लिख दिया। अब देखें पहले तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना, सिंपल ब्रैकेट को दोनों का यूनियन लेंगे, अब दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास वन टू थ्री और फोर आएगा, और ये तो हम सेम रखेंगे एज इट इज थ्री फोर। हम ये किसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की, इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखें हमें पता है डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो सिमिलर नंबर्स होते हैं दोनों साइड आइदर साइड में वो हम कैंसिल कर देंगे, बाकी जो फर्स्ट में बचेगा वो हमारा आंसर होगा, क्या बचा, बच गया जीरो, तो ये बन गया हमारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये था लेफ्ट हैंड साइड ये वाला। अब लेंगे हम राइट हैंड साइड, तो देखते हैं राइट हैंड साइड को, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहां पर देखें यहां पर इधर लिख दें टैकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लिखकर फिर राइट हैंड साइड का स्टेटमेंट ये भी लिखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब करना क्या हमें, पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से ए को डिफरेंस कर दें, देख लें यूनिवर्सल सेट हमारा क्या था, वन टू थ्री फोर, और ए की वैल्यू क्या है, वन टू थ्री, तो देखें वन टू थ्री, वन टू थ्री गए, बाकी क्या बच रहा है जीरो और फोर, ये है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, हो गई बात क्लियर। अब क्या फाइंड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट, देख लें बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से बी को निकालें, डिफरेंस करें, यूनिवर्सल सेट वही हमारा वन टू थ्री फोर, और बी की वैल्यू क्या है थ्री और फोर, देख लें यहां पर बी की वैल्यू थ्री और फोर, यहां पर बी थ्री फोर, थ्री फोर कट गए, क्या बज रहे हैं बाकी वन और जीरो, वन और टू, ये बन गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट जो आया है
और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का क्या करना है हमें, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर दें, इंटरसेक्शन। तो देखें ए कॉम्प्लीमेंट हमारा 0 और 4 है, इंटरसेक्शन। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0 1 और 2 है। अब दोनों का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे वो ही लेंगे। कॉमन का मतलब सेम, सेम क्या है, 0 है। तो ये बन गया हमारा ए इंटरसेक्शन और ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया और ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे हेयर, इधर लिख देंगे हेयर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हैंस डी मार गंजला वेरीफाइड, डी मार गंजला वेरीफाई हो गया। तो सेकंड वाला भी आप खुद कर सकते हैं अब, तो सेकंड वाला आप खुद कर लेना, बहुत आसान है इसी मेथड से। तो ये था हमारा डी मार गंजला। देखें याद रखें आपको कोई भी यहां पर यूनिवर्सल ए और बी की वैल्यू मिल सकती है, लाजमी नहीं यही मिले, कोई भी डिफरेंट आप ले सकते हैं। तो वेरीफाई कर दें, बिल्कुल बराबर आएंगे। थैंक यू।